नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अंजलि सुहाने आज आपसे चर्चा करूंगी पर्यावरण अध्ययन में आकलन मौखिक परीक्षण, जो कि पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का एक भाग है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी शिक्षक हैं, समझते हैं कि आज आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन को हम कोई अलग तरह से नहीं लेते हैं, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ अनवरत रूप से चलता रहता है। और ये हमारी पूरी चर्चा जो है वो कक्षा पाँचवीं के विद्यार्थियों के क्षमताओं के आकलन के ऊपर है, तो इस समय तो और भी आकलन हम अगर अलग से ना करें तो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और परीक्षा के नाम सुनकर तो अच्छे घबरा जाते हैं, और ये तो छोटे बच्चे हैं। तो आकलन, जैसा कि हम बोल कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जब वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तो वह निश्चित ही पूरे वर्ष भर चलेगा। पूरे वर्ष भर जब चलेगा तो कोई एक तरीका नहीं होगा जिससे कि हम उनका आकलन कर सकें, बहुत सारे तरीके होंगे जिससे हमें उनका आकलन करना होगा। पूरे वर्ष भर जब आकलन की प्रक्रिया चलती है तो वह मुख्यतः दो भागों में हम बांट देते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि एक यूनिट या दो तीन पार्ट पढ़ाने के बाद शिक्षक दो या तीन पार्ट कंप्लीट कर लेता है या एक पार्ट कंप्लीट कर लेता है, या तो उसके करने के बाद बच्चों ने क्या सीखा है, ठीक है, बच्चे अधिगम के लिए मूल्यांकन, ना कि अधिगम का मूल्यांकन, कि वह जब साल भर चलता रहता है तो बच्चों ने जो सीखा होता है और जहाँ सीखने में कुछ कमी रह जाती है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा शिक्षक उस तरह से बच्चों का आकलन करता है, उनकी जो उनमें कमियाँ हैं वह उनको बताता है, उनको इम्प्रूव करने का मौका देता है। इस समय हमें मौखिक परीक्षण बहुत मदद करते हैं। दूसरा होते हैं समेटिव असेसमेंट, जहाँ अधिगम का मूल्यांकन होता है, यह वर्ष में दो बार होता है, सामान्यतः वर्ष में दो बार, यानी कि आधा कोर्स ख़त्म हो गया तो सितंबर मंथ में, और दूसरा जब पूरा कोर्स ख़त्म हो गया फरवरी और मार्च में, इस तरह के असेसमेंट किए जाते हैं। तो हमारा जो मुख्य है आज मौखिक परीक्षण पर हम बात कर रहे हैं, और मौखिक परीक्षण जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन में मदद करता है, बच्चे क्या सीख रहे हैं और वह सीखने में कैसे मदद करे। अब बात करते हैं कि मौखिक परीक्षण क्या है। इस प्रकार की तकनीकों से विद्यार्थियों की क्षमताओं का आकलन उनके मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर होता है। जैसा कि हम कह रहे हैं, नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, मौखिक युक्तियाँ, यानी कि जो भी आकलन हो रहा है वह उनके मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर होगा, यहाँ कहीं भी पेपर पेंसिल का प्रयोग नहीं होगा। बच्चे बहुत छोटे हैं और इस तरह की उम्र के बच्चों में जो है उनकी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत होती है, और वह स्किल अगर आकलन के साथ साथ हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है और बच्चे उसको इंजॉय भी करते हैं। मौखिक युक्तियों के प्रकार क्या हैं? मौखिक युक्तियाँ मुख्यतः हम तीन या चार भागों में बांट सकते हैं। पहले हो गया मौखिक परीक्षा या प्रश्न, दूसरा तर्क वितर्क प्रतियोगिताएँ, निश्चित ही तर्क वितर्क भी मौखिक रूप से होगा, चर्चा मौखिक होगी, वृतांत और कहानी कथन, यह भी मौखिक युक्तियाँ ही हैं। इस तरह से ये मौखिक युक्तियाँ सभी हैं जो मौखिक परीक्षण हैं, ये मदद करते हैं बच्चों के मौखिक जो उनके स्किल्स हैं उनको आकलन करने में। सभी युक्तियाँ या सभी परीक्षण जो होते हैं उनमें कुछ लाभ होते हैं और कुछ उनमें कमियाँ होती हैं, यानी कुछ उनकी अच्छाइयाँ होती हैं और उनमें कुछ कमियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्यों ना पॉजिटिव, कि उस इनके जो मौखिक युक्तियाँ हैं उनके लाभ क्या हैं। पहला, विषय का ज्ञान और संप्रेषण के कौशल दोनों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। जब हम लिखित परीक्षण करते हैं तो हम सिर्फ उनके पता कर पाते हैं कि उनको क्या कंटेंट, टॉपिक, विषय वस्तु क्या पता है, लेकिन उनके संप्रेषण के कौशल क्या हैं, वह किसी विषय को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मौखिक युक्तियाँ मदद करती हैं, एक तरफ तो विषय का ज्ञान भी हम पता चल जाता है कि बच्चे को क्या पता है और वह उसको कैसे प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, कैसे बोलता है, इवन सुनता कैसे है, अपनी बात को कैसे अभिव्यक्त करता है, ये सभी हम मौखिक युक्तियों के द्वारा पता कर सकते हैं। और इस उम्र के बच्चों में जब हम इस तरह के कौशल डेवलप हो जाते हैं तो वह उनके व्यक्तित्व को निखारते हैं, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। तो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होना बहुत आवश्यक है।
और इन स्किल का आकलन हम सिर्फ मौखिक युक्तियों के द्वारा ही कर सकते हैं। दूसरा है शब्दावली तथा तर्क शक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बच्चे बात कर रहे होते हैं, जब मौखिक युक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उस समय उनके पास बहुत सारी वोकैबुलरी, शब्द भंडार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शब्द भंडार नहीं होगा तो वह बात नहीं कह पाएंगे, अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे। तर्क शक्ति, क्योंकि शिक्षक ने कुछ भी प्रश्न पूछा है, कुछ भी चर्चा हो रही है, तो वहाँ आपका लॉजिक होना चाहिए कि आप इसको ऐसा क्यों कहते हैं। अगर आप बोलते हैं कि वृक्ष हमारा जीवन है, तो क्यों है जीवन, क्या तर्क है, क्यों जीवन है, अगर वृक्ष ना हो तो क्या होगा। हाँ, तो इस तरह के तर्क उनको आना बहुत ज़रूरी है, और जब आकलन में ये मदद कर देते हैं, जब हम मौखिक परीक्षण कर रहे होते हैं, तो उनकी तर्क शक्ति स्वतः ही उसके साथ बढ़ने लगती है, और यह तो हमारे लिए, मतलब किसी भी विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों की तर्क शक्ति डेवलप हो जाए। हम जानते हैं कि पर्यावरण जो अध्ययन है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का समेकित रूप है, तो उसके विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उनको भी हमें पूरा करना है, और सामाजिक विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उनको भी पूरा करना है, तो उन उद्देश्यों में यह भी है कि उनमें तर्क शक्ति का विकास हो। तो इस तरह से जो मौखिक युक्तियाँ हैं वो तर्क शक्ति के विकास में मदद करती हैं। उसी समय पुनर्बलन दिया जाता है जिससे परीक्षा देते हुए बच्चे सीखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पुनर्बलन क्या होता है कि जो मोटिवेशन है वो बड़ों को भी बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन छोटे बच्चों को तो मोटिवेशन का बहुत ही फायदा होता है। जब बच्चे से हम बोलते हैं वेरी गुड, उसके बाद उसको दूसरे प्रश्न की उत्तर देने के लिए स्वतः ही एनर्जी आ जाती है, और वह पुनर्बलन उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप मौखिक परीक्षा ले रहे होते हैं और बच्चे से कुछ नहीं आ रहा होता, तो आप उससे रिलेटेड उनको कुछ क्लू दे देते हैं, और बच्चे फिर आगे बिना घबराए हुए, बिना हिचकिचाए हुए परीक्षा दे देते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। और आकलन का यही उद्देश्य है कि बिना भय के वह अपनी बात कह सकें। अगर भय में आ गया बच्चा तो उसका व्यक्तित्व वैसे ही दब जाएगा, और हमें व्यक्तित्व को निखारना है। तो जब पुनर्बलन का जो काम है यह मौखिक परीक्षणों में ही हो सकता है, लिखित परीक्षणों में इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। अगली बात कह रही हूँ, नकल करने के अवसर नहीं। शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने हैं, अब बताइए उनको नकल करने का अवसर कहाँ से आएगा। शिक्षक ने कुछ पूछा, विद्यार्थी ने उसका उत्तर दिया, कुछ चर्चा का विषय दिया, विद्यार्थी के पास जो भी ज्ञान है, जो भी उसको पता है, जो भी उसने आंकड़े इकट्ठे किए उनको प्रस्तुत करेगा, तर्क वितर्क कर रहा है, तो यहाँ पर वह किसी को कॉपी तो कर ही नहीं सकता है। तो ये अपने आप में युक्ति जो है हमारी मौखिक परीक्षण उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब जब कुछ लाभ हैं तो निश्चित ही कुछ कमियां होंगी, क्योंकि फूल के साथ कांटे तो हमेशा ही जुड़े होते हैं। इसी तरह हर युक्तियों की, हर परीक्षणों की कुछ कमियां होती हैं, और उन कमियों को हम दूर करते हैं। पहली बात हम यहाँ कह रहे हैं, व्यापक ज्ञान और गहन चिंतन के कौशलों के आकलन के लिए कम प्रभावशाली है। अब अगर हमें बच्चे का बहुत डिटेल में क्या जानता है यह जानने के लिए मौखिक परीक्षण उतना प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि एक विषय वस्तु से संबंधित आप 3 या 4 प्रश्न पूछ लेंगे, एक इतना बड़ा पाठ्यक्रम है उससे 3 या 4 प्रश्न पूछने से हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कितना आता है। और जो हायर लेवल थिंकिंग है उसको भी थोड़ा, उस तरह के जो थिंकिंग है उसको जानने में भी ये थोड़ा प्रभावशाली कम हो जाती है, क्योंकि इतना समय हम नहीं दे पाते। दूसरा है योजना बनाने और प्रबंधन करने में अधिक समय, क्योंकि एक बच्चे को आपको अलग अलग उसका आकलन करना है, और या आप ग्रुप में कर सकते हैं, इससे के अलावा तो आपको 1-to-1 करना है, या आपने ग्रुप में किया, तब भी अगर आपको एक कक्षा में 60 बच्चे हैं और अगर आपने 1x1 बच्चे की क्षमताओं का आकलन किया और एक बच्चे को आपने सोचा कि कम से कम 5 मिनट देंगे आप, तो आप सोचिए 60 बच्चों के लिए आपको कितना समय चाहिए। ठीक है, तो एक जो कालखंड होता है सामान्यतः 40 मिनट का होता है, 40 मिनट में आपने 5 मिनट एक बच्चे को दिए, तो आपने एक पूरे कालखंड में 8 बच्चों का आप आकलन कर पाए। तो ये योजना बनाना बड़ा कठिन काम हो जाता है कि आप कैसे आकलन करें, फिर उसका प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि आप एक बच्चे का आकलन कर रहे हैं, उसको दूसरी जगह, बाकी बच्चों को दूसरी जगह बिठा कर रखना पड़ेगा, आप अकेले शिक्षक हैं, निश्चित ही फिर आपको दूसरे शिक्षक की आवश्यकता होगी कि वह आपकी सहायता करे आके। और हमारे यहाँ स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी वैसे ही होती है, और सामान्यतः ये होता है कि भाई आप अपना काम स्वयं ही कर लीजिए,
तो ये थोड़ा प्रबंधन करना और योजना बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, बस थोड़ा सा उसको अगर हम पहले से सारा योजना बना लें और अपने जो शिक्षक हैं वो अपने साथियों से मदद ले लें, तो यह जो युक्ति है बड़ी सफल हो जाती है। आकलन में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी, दो बातें कह रहे हैं हम यहाँ, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। जो ये आकलन होते हैं मौखिक जिसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने हैं और शिक्षक अवलोकन करके उनको किसी भी विषय के कितने नंबर हैं वह दे देता है, और उस समय शिक्षक का मूड कैसा है, बच्चा जो है उसकी भाषा शैली कैसी है, वह उसको कैसे प्रस्तुत कर रहा है। जबकि हमारा उद्देश्य था कि हमें उनकी कंटेंट जानना है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बायस्ड हो गए, हम उसके दूसरी चीज़ों के ऊपर भी चले गए। और शिक्षक जो है पहले से विद्यार्थी को जानता है, आज वो बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन हो सकता है पहले से कुछ बायस्ड हो, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता की कमी हो जाती है। और इसी तरह विश्वसनीयता की कमी, कि अगर वही जो आकलन है वो बार बार किया जाए तो सेम नंबर आने की गुंजाइश नहीं होती है, हर बार का अलग अलग तरह के मार्क्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आकलन में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी हो जाती है। अगली है प्रमाणीकरण की कमी। जो लिखित परीक्षण होते हैं उसमें सभी कुछ जो होता है वो बच्चे ने लिख के रखा होता है और वो एक रिकॉर्डेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्डिंग की नहीं होता है, बच्चे ने प्रस्तुत किया, शिक्षक ने उनके नंबर दे दिए और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। अब प्रमाणीकरण कैसे करेंगे, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी आती है। खर्चीली विधि, खर्चीली किस सेंस में, समय के सेंस में, ठीक है, बहुत अधिक समय लगता है और प्रबंधन भी मुश्किल है, तो विधि कैसी होगी, खर्चीली। प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं की कमी, हमारे विद्यालयों में सामान्यतः ही मूल्यांकनकर्ता जो हैं वो प्रशिक्षित नहीं है, शिक्षक वर्ग जो है प्रशिक्षित नहीं है, और इस तरह के आकलन में तो प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वह प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वह आकलन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, आकलन ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वस्तुनिष्ठता की कमी दिखाई देगी, और प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं वह विद्यालयों में नहीं है तो फिर ये मूल्यांकन करे कौन। लिखित परीक्षाओं में तो क्या होता है कि एक बार आकलन हुआ और मैं पेपर बनाया, कक्षा में विद्यार्थियों को बिठाया और कोई भी मूल्यांकनकर्ता आके उनकी लिखित परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कमी होती है। अब जो कमियाँ हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो कमियाँ ही हैं, उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। इन कमियों को कैसे दूर करें, इन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव, आप सबसे पहले क्या उद्देश्य है, आप जो विषय का जिस विषय वस्तु का आकलन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्यों के आधार पर आप मानदंड को निर्धारित कर लें। आप उनके जो मानदंड हैं वो निर्धारित कर लेंगे तो उसमें वस्तुनिष्ठता आ जाएगी। अगर आप बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं तो हमारे मानदंड कम्युनिकेशन स्किल पर होंगे, कम्युनिकेशन के साथ विषय वस्तु भी देखना चाहते हैं तो हमारे मानदंड में विषय वस्तु का ज्ञान भी होगा, अगर वो ग्रुप में काम कर रहा है तो सहभागिता भी होगी। तो अगर हम अपने विषय वस्तु से रिलेटेड मानदंड निर्धारित कर लेंगे तो हमारे जो मौखिक युक्तियाँ हैं उनमें क्या होगा कि उसमें वस्तुनिष्ठता आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे हम उनको प्रमाणीकृत भी कर सकते हैं। जो आपने उद्देश्य बनाए हैं उसके आधार पर आप उपकरणों का निर्माण कर लें। उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, आप अवलोकन सूची बना लीजिए, जांच सूची बना लीजिए, निर्धारण मापनी बना लीजिए, रूब्रिक्स बना लीजिए, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यहाँ हम कुछ ही तरीकों की बात कर रहे हैं। तो जब आप नया क्राइटेरिया डिसाइड कर लिए, मानदंड निर्धारित कर लिए, उनके आधार पर अवलोकन सूची बना लीजिए कि आप बच्चा ये करता है तो इतना नंबर, ये नहीं करता है, जांच सूची क्या यह है किया, हाँ नहीं, हाँ नहीं, इस तरह से जांच सूची बना सकते हैं। ये हुए हमारे मौखिक युक्तियों में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं और हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं। अब हम इसी के दूसरे भाग पर चलते हैं कि मौखिक युक्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। मौखिक युक्तियों का पहली बात जो हम करते हैं वो है मौखिक परीक्षा और प्रश्न। कक्षा में पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप 40 मिनट के क्लास होता है उस क्लास को लाइव बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, विद्यार्थियों से मौखिक प्रश्न तो पूछते रहते हैं और विद्यार्थी उनके उत्तर भी देता है। वो तो हुआ हमारी क्लास सेटिंग में, लेकिन अभी हमने एक विषय वस्तु पढ़ा दी है और अब हम उसका आकलन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मौखिक युक्तियाँ, मौखिक प्रश्न, मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।
और छोटे आयु के जो बच्चे हैं उनकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए और प्रयोगात्मक कार्यों का आकलन करने के लिए मौखिक प्रश्न बहुत मदद करते हैं। इसमें जो प्रयोगात्मक कार्य है, बच्चे ने कुछ कार्य किया, उसके बाद में आपको उनसे पूछना है कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया, उसके लिए आप क्या करेंगे, निश्चित ही मौखिक प्रश्न पूछेंगे। अब मौखिक परीक्षा का हम चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कक्षा चौथी में जो हमारी एक थीम है खाना, फूड, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें खाने की पौष्टिकता की बात की गई है। शिक्षक ने उसको पढ़ाया और फिर उसने क्या किया कि कुछ प्रश्न बनाए जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हैं, क्योंकि मौखिक प्रश्न अगर इंटरेस्टिंग ना हो तो बच्चे को जवाब देने में उतना आनंद नहीं आता है। मौखिक परीक्षा लिए उसने, उस यूनिट को, उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसने 10 अंक के 4 प्रश्न निर्धारित किए। पहला उसने, उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया उसको आप स्लाइड पर देख सकते हैं, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जैसे ही बच्चे से खाने की और उसकी पसंद की बात की जाती है, बच्चा अपने आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। और जहाँ हम पुनर्वलन की बात कर रहे थे, वहाँ पर शिक्षक तुरंत उनको पुनर्वलित भी कर सकता है। आप बच्चे से पूछा गया आपको खाने में क्या पसंद है, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रश्नों के आंसर देंगे। कोई भी आंसर इसमें सही हो सकता है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद हो सकता है, किसी को इडली पसंद हो सकती है, किसी को आलू का पराठा पसंद हो सकता है। उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर दिया, शिक्षक ने उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा, जो भी आपको खाना पसंद था यह किन किन खाद्य पदार्थों से बना है। सामान्यतः वह चैप्टर वो पढ़ चुके हैं और उनसे चर्चा की जा चुकी है कि जो फूड आइटम है उसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों से बनता है, रोटी किससे बनती है, पराठा किससे बनता है, इडली किससे बनती है, उस तरह से वह खाद्य पदार्थों से बना है इसका आंसर देता है। उसके बाद इन खाद्य पदार्थों में क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसके बाद क्या यह खाना पौष्टिक है, जो भी खाना आपको पसंद है क्या वह पौष्टिक है। विद्यार्थी को लॉजिकली अपनी बात को कहना पड़ेगा कि हाँ, जो जो खाने में अगर पोषक तत्व है तो वो पौष्टिक है, और अगर उसमें पोषक तत्व नहीं है तो पौष्टिक नहीं है। अब देखिए, यहाँ मौखिक परीक्षा भी हो गई और विद्यार्थी को कोई भार भी नहीं लगा। ठीक है, अगर बच्चे को कोई बोला जाए कि कल आपका पेपर पेंसिल पे टेस्ट होगा तो विद्यार्थी पहले से ही भयभीत हो जाएंगे। और इस तरह से जब आकलन हुआ, विद्यार्थियों ने बड़े आनंद के साथ अपना परीक्षा दिया। अभी लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बात आई, विद्यार्थी को तो आनंद मिल गया पर शिक्षक क्या करें, शिक्षक 10 में से ऐसे इनको अंक दें, क्या होता है फिर? जो हम बोल रहे थे कि वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाती है, उसको करने के लिए क्या करें, शिक्षक चाहे तो इसके लिए रूब्रिक्स का निर्माण कर ले। रूब्रिक्स क्या करते हैं कि मदद करते हैं कि जो भी आकलन हुआ है उसको अंकों में परिवर्तित कर दें और उनको कई कैटेगरी में डिवाइड कर दें। जैसे कि पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षक ने क्या किया है कि एक रूब्रिक्स बनाया है और उसको 4 कैटेगरी दिया। पहला दिया अति उत्तम, अति उत्तम 10 नंबर है, 10 में से 10 या 9 नंबर दे रहा है उन विद्यार्थियों को जिनका प्रस्तुतिकरण अति उत्तम है। लेकिन सिर्फ अति उत्तम कहने से बात नहीं चलेगी, क्या वह विद्यार्थी का प्रस्तुतिकरण अति उत्तम है, क्यों अति उत्तम है? विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी स्पष्टता, आत्मविश्वास और सटीक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करता है। देखिए यहाँ पर शिक्षक ने क्या कहा है कि वह उन विद्यार्थियों को 10 या 9 नंबर दे रहा है जो कि अपने प्रश्नों को पूरी स्पष्टता के साथ, ठीक है, पूरे उसको क्लियरिटी है, अपने जो विषय वस्तु है उसके आंसर में उसको क्लियरिटी है, आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस का तो भाई जमाना ही है, अगर कोई भी बात बिना कॉन्फिडेंस से कही जाए तो मज़ा भी नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत करता है और सटीक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि तर्क होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, तो तर्क और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करता है। जब वह सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा है तो उसको कैटेगरी दे दिया अति उत्तम और 10 में और 9 मार्क्स दिए। दूसरी कैटेगरी आई उत्तम, विद्यार्थी सभी उत्तरों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पहले वाले सी कमी है, क्या कमी है? देखिए, विद्यार्थी सभी उत्तरों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता है, पर कहीं तथ्यों की कमी है, विद्यार्थी के पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है। तो पहले वाली कैटेगरी से इस वाली कैटेगरी के नंबर बच्चों के कम हो जाएंगे और उनको 8, 7, 6 मार्क्स शिक्षक देगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रूब्रिक्स बनाने से क्या हुआ कि शिक्षक के लिए बहुत आसानी हो गई कि जैसे ही वो प्रश्नों के उत्तर देता जाता है, इन रूब्रिक्स के माध्यम से वह उनको आकलन बड़ी आसानी से करता जाता है। नेक्स्ट है संतोषजनक, विद्यार्थी कुछ उत्तरों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करता है और कुछ के उत्तर देने में हिचकिचाता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा
कि आपको खाने में क्या पसंद है, उसने फटाक से बता दिया, तुरंत बोल दिया कि ये पसंद है, उसमें किससे बना है ये भी बता दिया। लेकिन अब उसको पूछा गया कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, यहाँ पर थोड़ी उसको हिचकिचाहट है, उसको अपने उसमें स्पष्टता नहीं है, थोड़ा उसमें आत्मविश्वास की भी कमी आ रही है। आत्मविश्वास कब आता है? जब हमें सब कुछ पता होता है, उसमें आत्मविश्वास की भी कमी आ रही है, तो प्रदर्शन संतोषजनक है और हमने उसको नंबर जो है वो 5 से 3 तक की कैटेगरी में उनको मार्क्स दिए। नेक्स्ट कैटेगरी रखी सुधार की आवश्यकता। विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश तो करता है परंतु ठीक से दे नहीं पाता है। विद्यार्थी छोटे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनकी भी अपनी कमियां होती हैं, उनको मौखिक प्रश्न देने में बड़ी कठिनाई होती है, उनको आता भी है, कोशिश भी करते हैं लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर पाते। लेकिन हमारा उद्देश्य तो है कि वह प्रस्तुत करें, तो यहाँ पर हम कहेंगे सुधार की आवश्यकता है और उनको 2 या 1 नंबर दे देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने मौखिक प्रश्नों को क्या किया, रूब्रिक्स बना लिया और अपने आकलन को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने की कोशिश की, उनका मानकीकरण करने की भी, प्रमाणीकरण करने की भी कोशिश की। अगली बात आती है कि जो मौखिक युक्तियाँ हैं, चर्चा। आप EVS की क्लास 3rd, 4th, 5th की कोई भी चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर में आपको NCERT की बुक्स में कई बार लिखा होगा चर्चा कीजिए, कक्षा में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो चर्चा 2 तरह से हो सकती है, एक तो आप क्लास में जैसा कि मौखिक प्रश्न रोज पूछते हैं ऐसे ही चर्चा भी करते हैं, दूसरी चर्चा हो सकती है जो कि फॉर्मल है। इसमें क्या करेंगे कि शिक्षक विद्यार्थी को पहले से एक टॉपिक दे देगा और इस विधि में क्या होगा कि शिक्षक ने विद्यार्थी को एक टॉपिक दिया, उसको बता दिया कि कल कक्षा को 4 या 5 बच्चों का समूह बनाया और क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 10 समूह बना दिए और 10 समूहों को बता दिया कि कल हम किसी विषय पर चर्चा करें। मान लीजिए विषय है वृक्ष हमारा जीवन है, ठीक है, कल आपको इस पर तैयार करके आना है, आप 5 लोगों का समूह है, आप लोगों को अपनी बात कहने के लिए, चर्चा करने के लिए आपके पास 5-5 मिनट का समय होगा, आप अपने विषय वस्तु को तैयार करके आइए। अब इस तरह से जो ये विधि है चर्चा, वो क्या करेगी, इस विधि का प्रयोग करके पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति, विचार शक्ति, तार्किकता, विश्लेषण और संश्लेषण कौशल का विकास किया जाएगा। देखिए, जब वृक्ष हमारा जीवन है ऐसा कुछ टॉपिक दिया है पर्यावरण से रिलेटेड, तो उनकी अभिवृत्ति समझ में आएगा कि भाई उनकी पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति क्या है, वह क्या सोच रखते हैं, और वह उनके अंदर और डेवलप होगी क्योंकि वह उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, विचार शक्ति डेवलप होगी, अपनी बात को लॉजिकली तार्किकता के साथ प्रस्तुत करेंगे, फिर उसको विश्लेषित करेंगे और आखिरी में उसका संश्लेषण करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो यह विधि जो चर्चा है बहुत मदद करती है शिक्षक को और विद्यार्थियों को, दोनों को। लेकिन अभी बात यह कि कक्षा में विद्यार्थी चर्चा करे जा रहे हैं लेकिन हम उसका आकलन कैसे करें, तो क्या करें, चर्चा जब हो रही हो, विद्यार्थी जब चर्चा कर रहे हों, तो हम डिसाइड कर लें कि चर्चा के समय हमें विद्यार्थियों की किन क्षमताओं का आकलन करना है। जैसे कि आपने पहले से उनको अनुदेश दे दिया, निर्देश दे दिया कि आपको 5 मिनट का समय मिलेगा, तो वो दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करता है या करती है? तो अगर करता है तो निश्चित ही उसको नंबर दिए जाएंगे, और नहीं करता है तो ऑब्वियसली हम उसको मार्क्स नहीं देंगे। ग्रुप वर्क हो रहा है, 5-5 मिनट का समय है, तो उसकी सहभागिता कैसी है? कई बार क्या होता है कि 5 बच्चों में से 2 बच्चे तो बहुत अच्छे से पार्ट कर रहे होते हैं, 1-2 बच्चे कम, 1 बिल्कुल ही नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हमने ग्रुप के हिसाब से उनको मार्क्स दे दिए तो होगा कि सभी बच्चों को नंबर मिल जाएंगे, तो हमें ये भी देखना होगा कि उनकी सहभागिता कैसी है। फिर है दूसरों के विचारों को सुनना, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं उसमें सुनना भी एक कला है। क्या होता है जनरली कि विद्यार्थी बोलते रहते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन दूसरों को सुनने की कला नहीं होती। तो दूसरों को जब तक आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या कि वह क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे विद्यार्थियों को सुनना, फिर अपने विचारों को व्यक्त करना। तो जब हम चर्चा में आकलन के लिए ये क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे कि वह अनुदेशों का अनुसरण करता है, सहभागिता रखता है, दूसरों के विचारों को सुनता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो इसके आधार पर जो मैंने पहले कहा था, आप क्या करें, अवलोकन सूची बना लें, रूब्रिक्स बना लें या रेटिंग स्केल बना लें, आप जो चाहें बना लें, और उसके बाद अपने विद्यार्थियों का आकलन, बहुत उनकी क्षमताओं का आकलन एकदम आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगला जो हमारा मौखिक युक्तियों का प्रकार है, वृत्तांत और कहानियाँ।
ये नाम सुन के तो बच्चों को, कहानी सुन के तो बच्चे वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और वृत्तांत, ये दोनों जो विधियां हैं आकलन की, वह मदद करती हैं विद्यार्थी के कम्युनिकेशन कौशल को बढ़ाने की, उनको सोचने की। अभी हम बात करें कि वृत्तांत और कहानी कथन। वृत्तांत और कहानी कथन जो है वो मदद करता है विद्यार्थियों की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में हम देखते हैं कि जो उसका पाठ्यक्रम है 6 थीम में डिवाइड है। एक उसमें है यात्रा। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वेकेशन होते हैं, विंटर वेकेशन हुआ या समर वेकेशन हुआ, बच्चे निश्चित ही कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। उन छुट्टियों में वह कहीं ना कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं या अपने शहर में ही घूमते हैं। तो शिक्षक ने कहा कि जब आप वेकेशन से लौट कर आएंगे तो आपने जो भी जगह घूमी है, जिस जगह पर भी आप भ्रमण करने गए हैं, उसके बारे में आपको 5 मिनट में अपनी बात बतानी है। आपको वहाँ कैसा लगा, कौन सी जगह गए थे, क्या देखा। तो वह वृत्तांत नरेशन, नरेटिव्स। तो बच्चे अपनी बात को किस तरह से कहते हैं, लेकिन बच्चे तो कह देंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे वृत्तांत के लिए और कहानी कथन के लिए करीब करीब मानदंड समान होते हैं। मैं यहाँ वृत्तांत के बारे में बात कर रही हूँ कि विषय वस्तु बिंदु। जो वृत्तांत उन्होंने सुनाया किसी भी भ्रमण के बारे में, उन्होंने बच्चों ने कौन कौन से विषय वस्तु बिंदु चुने थे। मानस प्रत्यक्षीकरण, बच्चे ने जो भी जगह देखी है उस जगह का उसका परसेप्शन कैसा है। अगर बच्चा कहीं हिस्टोरिकल प्लेसेस पर गया है, कोई किला देख के आया है, तो उसके बारे में वह क्या बता रहा है, उससे वो क्या समझ रहा है, वहाँ का क्या आर्किटेक्चर देख के वह प्रभावित हुआ, या वहाँ के वो पुराने महल थे उनको देख के प्रभावित हुआ, या वह कितने बड़ी जगह में बने हैं, किस चीज़ का वो मानस प्रत्यक्षीकरण, किस तरह से उसका परसेप्शन आ रहा है। फिर उसके बाद शब्दावली तथा शुद्धता, जो भी वह प्रेजेंट कर रहा है उसमें शब्दों का प्रयोग कैसे किया गया है और वह कितने शुद्ध हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। उसके बाद आता है उच्चारण, वह कैसे उस तरह से उसका उच्चारण कैसा है। स्वर परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी कोई वृत्तांत और कहानी सुनाते हैं, कि अगर कोई बात बता रहा है, मान लीजिए बच्चा जू देखने गया और वह बात करता है कि उसने शेर देखा और बोलता है मैंने शेर देखा, तो मज़ा ही नहीं आएगा। उसके बाद अगर बोलता है मैडम मैंने वहाँ शेर भी देखा, तो लगता है कि वह शेर की बात कर रहा है, क्योंकि शेर ऐसा जानवर है जिसको थोड़ा बोलते समय भी उसके स्वर में परिवर्तन होता है। और अगर वह चूहा को की बात करता है तो थोड़ा निरीह सा, मैंने वहाँ चूहा भी देखा। तो वो स्वर परिवर्तन किस तरह से हो रहा है वह भी वहाँ पर आना चाहिए। हाव भाव, किस तरह से उसके हाव भाव हैं सुनाते समय, बहुत नीरस होके सुना रहा है, बहुत दुखी होके, या फिर जो एक्साइटेड वाली चीज़ें हैं उनको एक्साइटमेंट के साथ सुना रहा है, उसकी आँखें, उसकी जो भौहें हैं, उसके जो चेहरा है उस पर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट आ रहा है। अरे मैडम मैं तो गोवा गया था, वहाँ बहुत मज़ा आया, तो लगेगा कि हाँ सच में उसको मज़ा आया, लेकिन वो मज़ा शब्द को भी एक नीरस तरह से बोल रहा है, तो वहाँ पर लगेगा कि उसमें हाव भाव की कमी है। प्रभाव और विराम, किस तरह से वह अपनी बात कह रहा है, एक फ्लो में बोलता जा रहा है और जहाँ विराम की आवश्यकता है वहाँ विराम ले रहा है या नहीं। फिर आती है क्रमबद्धता, कि उसका जो कंटेंट है वह कितने क्रमबद्ध तरह से प्रेजेंट किया है, एक उसमें सीक्वेंस है या नहीं है। ये तो हुए हमारे वृत्तांत के लिए मानदंड। अब इसी तरह से जो कहानी कथन होता है, कहानी कथन में थोड़े से मानदंड जो हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे कि मौलिकता, जब भी वो कोई कहानी सुना रहा है उसमें कितना मौलिक है। अगर शिक्षक ने कहा है कि कल आप लोग एक कहानी सुनाइए जो कि जानवरों से रिलेटेड हो, पशुओं से रिलेटेड हो, और विद्यार्थी कहानी सुनाता है, उस तो उसमें क्या होगा, उसमें शिक्षक देखेगा उसमें मौलिकता है या नहीं है। बाकी इसमें से जो हमारे वृत्तांत के जो मानदंड निर्धारित किए थे क्राइटेरिया, उसमें भी बहुत सारे मानदंड होंगे, स्वर परिवर्तन, हाव भाव, उच्चारण, ये सब उसके भी पार्ट होंगे, लेकिन वहाँ मौलिकता आ जाएगी कि वो मौलिक है कि नहीं उसकी कहानी। ऐसा तो नहीं है कहीं से पढ़ के सुना दिया है, या उसके जो फिर कैरेक्टर्स कैसे हैं, जो कहानी में उसने कैरेक्टर लिया, मान लीजिए भालू का कोई नाम दिया है, उसका क्या नाम दिया है, वो कैरेक्टर कैसा दिया है, तो वह भी उसका एक पार्ट होगा। तो इस तरह से जब ये मानदंड निर्धारित कर लें, जो मैंने पहले कहा है कि ये मानदंड निर्धारित करके आप अवलोकन सूची बना लीजिए, रेटिंग स्केल बना लीजिए, रूब्रिक्स बना लीजिए, और आकलन विद्यार्थी की क्षमताओं का आकलन कीजिए। अब एक और युक्ति है, वो है वाद विवाद और तर्क, जिसमें तर्क वितर्क करते हैं विद्यार्थी। यह युक्ति भी बहुत प्रयोग करते हैं, मौखिक युक्तियों के लिए है ये।
इसमें भी हम क्या करें कि यहाँ पे मैंने आपको एक अवलोकन सूची का उदाहरण दिया है, आप देख सकते हैं कि एक अवलोकन सूची है जिसमें शिक्षक ने किसी भी विषय दिया और उसमें उनको पहले से निर्देश दे दिए कि आप सभी विद्यार्थियों को इस विषय पर बात करनी है। विषय कोई भी हो सकता है, इसके बारे में आप पक्ष में भी बात कर सकते हैं, विपक्ष में भी बात कर सकते हैं। विषय के लिए आपको बात करने के लिए आपको 3 मिनट मिलेंगे और 2 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपके पास 1 मिनट और है या 5 मिनट, जो भी समय दिया है वो निर्देश उनको दे दिया जाए। जो सबसे पहला वक्ता होगा उसको आखिरी में फिर से बात करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या करें कि उसके लिए एक अवलोकन सूची बना ली। पहली बात है कि जो अवलोकन सूची है उसको जरा आप एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से अवलोकन सूची बनाई। सामग्री की जानकारी में गहनता, मतलब जो भी उसने अपना टॉपिक, जो भी पक्ष में या विपक्ष में किसी भी बारे में बात कर रहा है उसमें कितनी गहनता है, कितना डिटेल उसने उसके बारे में विषय वस्तु इकट्ठी की है, उसको क्या पता है। वाद विवाद अभिव्यक्ति में सख्ती, आप देखते हैं जब बच्चे वाद विवाद करते हैं तो वो इतनी जोर से अपनी बात कहते हैं कि लगता है कि बिल्कुल, कई बच्चे तो टेबल पर हाथ रख के और टेबल को जोर से बजा के भी बताते हैं, तो लगता है कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर धारा प्रवाह, उच्चारण तथा भाषा शैली कैसी है, ये एक उसका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है किसी के नजरिए का विरोध करने की योग्यता। किसी के नजरिया, देखिए पक्ष में भी बात हो रही है, हाँ विपक्ष में भी बात करना है, तो कोई बच्चा उसको पक्ष में रखेगा, कोई उस बच्चा उसको विपक्ष में रखेगा, लेकिन जब वह अपनी बात कहता है तो उसके पहले जो वक्ताओं ने बात कही होती है उनकी वक्ताओं की बातों को भी वह कहता है। अगर उनके वह पक्ष में कह रहा है और बाकी बच्चों ने विपक्ष में कहा है तो उनके विरोध करने की भी उसमें योग्यता होना चाहिए। बाद में बात करते समय उसका हाव भाव कैसा था, जो कि पहले वृत्तांत और कहानी कथन में भी हमने कहा है कि उसका हाव भाव कैसा है। विरोधी के प्रति आदर भाव, यहाँ कोई उनकी कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, ये तो अपने अपने व्यू हैं, किसी के पक्ष में होंगे किसी के विपक्ष में होंगे, तो वो विरोधी के प्रति कैसा भाव रखता है, उसका आदर भाव है या नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पक्ष में है उनके सब प्रति तो वो आदर भाव रख रहा है, लेकिन जो विपक्ष में उससे बात कर रहा है उनके प्रति उसको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो हमसे, तो उनसे वह लड़ा, बात बात पे झगड़ा हो रहा है, तो वो भी शिक्षक को देखना है। और आलोचनात्मक का सकारात्मक रूप में लेने की योग्यता, मतलब अगर आपकी बात का कोई अपोज कर रहा है उसको पॉजिटिव वे में लेना है, ऐसा नहीं है कि उसको किसी निगेटिव तरह से लेना है। तो ये जब पॉइंट हैं तो अपने जब ये क्राइटेरिया डिसाइड कर लिए और उसको 5 में से अंक दिया, हर उसको दिया, तो टोटल 7 थे, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गया, 35। 35 में से किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5, तो 35 में से हमने इसको अंक दे दिए। तो इस तरह से यह बात हुई कि हम इसके लिए अवलोकन सूची बनाएं। इन्हीं क्राइटेरिया पर आप रेटिंग स्केल भी बना सकते हैं और रूब्रिक्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आज इसके लिए हमने NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसका यूज़ किया, NIOS का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका भी यूज़ किया, और CBSE की मैनुअल फॉर रिसर्च ऑन स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 6 to 8, इसको भी आप ज़रूर पढ़िए, यह आपको बहुत मदद करेगी कि आप असेसमेंट कैसे करें। इस तरह से आज हमने बात की कि पूरी तरह जो भी हमारा विषय था मौखिक युक्तियाँ, तो मौखिक युक्तियाँ कितने तरह की हैं, मौखिक युक्तियों का आप किस तरह से प्रयोग करें, मौखिक युक्तियों की कमियां जो हैं उनको कैसे प्रयोग करें, और ध्यान रखने की एक जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब भी आप कोई भी युक्ति, मौखिक हो लिखित हो या किसी का भी प्रयोग करें, ये देखें कि उस समय उसकी आवश्यकता है या नहीं है, किन परिस्थितियों में कौन सी युक्तियों का प्रयोग करना है। और जब हमारा ये आइडिया क्लियर होगा तो हमारा बच्चों की क्षमताओं का आकलन भी आसान होगा। इस तरह से आपको हमने आज चर्चा में बात की कि 4 तरह के जो थे, मौखिक प्रश्न, चर्चा, तर्क वितर्क और कहानी कथन, वृत्तांत, इनका आकलन आप कैसे कर सकते हैं, और ये सभी मौखिक युक्तियां हैं। इनको आप देखिए कि किस पाठ में, जैसे कि एक पर्यावरण अध्ययन की बुक में करीब 25 to 30 चैप्टर्स हैं, तो किस चैप्टर में या किस थीम में किसकी आवश्यकता है। जिस थीम में आपको लगता है कि हाँ हम कहानी कथन करवा लें तो वहाँ कहानी कथन करा लीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि ट्रैवल एक थीम है, उसके लिए आप वृत्तांत ले लीजिए। कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर चर्चा करवाना ज़रूरी है, कुछ इशूज़ ऐसे हैं जो करंट इशूज़ आ रहे हैं इन्वायरमेंट के, उस पर आप चर्चा करवा लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी सूझबूझ से इन युक्तियों का प्रयोग कीजिए। धन्यवाद। हम किसी और कार्यक्रम में किसी और मुद्दे पर फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।